मेरे तो पहला क्वेश्चन है वो है कि डेबिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट ऑफ फर्म इज, अगर कोई बैंक फर्म है उसका जो बैंक अकाउंट है उसका जो डेबिट बैलेंस है उसे हम क्या बोलेंगे। ठीक है, किसी फर्म के बैंक अकाउंट के डेबिट बैलेंस को हम क्या कंसिडर करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन एंड वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है असेट बोलेंगे, दूसरा ऑप्शन है लाइबिलिटी बोलेंगे, तीसरा ऑप्शन है कैपिटल कंसिडर करेंगे और चौथा ऑप्शन है इनटैंजिबल असेट कंसिडर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, असेट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक रिप्रेजेंट्स, जो बैंक का पासबुक होता है उसका क्रेडिट जो बैलेंस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन असेट्स, दूसरा ऑप्शन लाइबिलिटी, तीसरा ऑप्शन कैपिटल, चौथा ऑप्शन इनटैंजिबल असेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, असेट। बैंक पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए असेट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देते हैं, परचेजेस माइनस कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दूसरा ऑप्शन है ओपनिंग स्टॉक, तीसरा ऑप्शन है परचेज रिटर्न और चौथा ऑप्शन है सेल्स रिटर्न। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए क्या करेंगे, सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, परचेजेस माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक हमें मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओपनिंग स्टॉक। अगला क्वेश्चन है हमारा, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश विल लीड टू, अगर हमने कोई मशीनरी खरीदी कैश में तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन टोटल एसेट्स, इससे टोटल एसेट्स बढ़ जाएगा, दूसरा ऑप्शन डिक्रीज इन टोटल एसेट्स, इससे टोटल एसेट्स डिक्रीज कर जाएगा, तीसरा ऑप्शन नो चेंज इन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, और चौथा ऑप्शन है इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नो चेंज इन टोटल एसेट्स। नो चेंज इन टोटल एसेट्स का मतलब क्या है, आप समझिएगा कि मशीनरी भी हमारे लिए एसेट है और कैश भी हमारे लिए एसेट है, तो जब हम कैश दे रहे हैं और मशीनरी लेकर के आ रहे हैं सेम वैल्यू का, तो हमारे असेट में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, नो चेंज इन द टोटल असेट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नो चेंज इन टोटल असेट्स, मतलब परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश विल लीड टू नो चेंज इन टोटल असेट्स, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू दिनेश शुड बी डेबिटेड टू, अगर हमने दिनेश को क्रेडिट सेल किया गुड्स का, ठीक है, तो इसे हम कहां डेबिट करेंगे। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है सेल्स अकाउंट में, दूसरा ऑप्शन है गुड्स अकाउंट में, तीसरा ऑप्शन है दिनेश अकाउंट में और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिनेश अकाउंट में, क्योंकि ये क्रेडिट पे बेचा गया है। ठीक है, कैश में नहीं बेचा गया, क्रेडिट पे जब हम बेचते हैं तो हम नाम नोट डाउन करते हैं, तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू दिनेश शुड बी डेबिटेड टू दिनेश अकाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश विल, अगर हमने फर्नीचर कैश में खरीदा है तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। पहला ऑप्शन कह रहे हैं इंक्रीज करंट एसेट्स एंड डिक्रीज फिक्स्ड एसेट्स, हमारा करंट एसेट बढ़ जाएगा और फिक्स्ड एसेट्स रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन डिक्रीज करंट एसेट्स एंड इंक्रीज फिक्स्ड एसेट्स, तीसरा ऑप्शन इंक्रीज बोथ करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, और चौथा ऑप्शन डिक्रीज बोथ करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीज करंट एसेट्स एंड इंक्रीज फिक्स्ड एसेट्स। देखिए, अगर हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, तो हमारा क्या हो रहा है, फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, और कैश में खरीदा है तो कैश क्या कंसिडर करते हैं हम, कैश को हम कंसिडर करते हैं करंट एसेट्स, तो जब हम कैश पे करेंगे तो करंट एसेट्स डिक्रीज करेगा, और जब फर्नीचर खरीदेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, जब हम ओल्ड मशीनरी को सेल करते हैं, बेचते हैं, और हमें जब प्रॉफिट होता है पुरानी मशीनरी को बेचने के बाद, तो उसे हम किस हेडिंग के अंडर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, पहला है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और चौथा ऑप्शन है बैलेंस शीट। तो हमने पुरानी मशीनरी को जब बेचा और हमें प्रॉफिट हुआ, तो हम कहां लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहां लिखेंगे हम इसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस इज क्लासिफाइड एज, इंश्योरेंस को हमने अगर एडवांस में पे किया तो उसे क्या क्लासिफाई करेंगे।
ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है करंट लायबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है फिक्टिशियस असेट और चौथा है करंट असेट्स. ठीक है, तो अगर हमने इंश्योरेंस को एडवांस में पे किया है तो वो एक हिसाब से हमारे लिए करंट असेट्स है. ठीक है, हम एडवांस में पैसे लेते हैं तो हमारे लिए करंट लायबिलिटी बन जाता है, और इंश्योरेंस बेसिकली एक साल के लिए होता है और हमने एडवांस में पेमेंट किया है तो इट्स आर करंट असेट्स. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन एज अ, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है उसे हम क्या शो करते हैं, इट्स अ करंट लायबिलिटी, इट्स अ कंटिजेंट लायबिलिटी, इट्स अनसिक्योर्ड लोन और इट्स अ प्रोविजन. तो अगर हम बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे फर्म के लिए, हमारे बिजनेस के लिए ये करंट लायबिलिटी होता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द एडजस्टमेंट टू बी मेड फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस इज, अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो उसका एडजस्टमेंट हम कहां करेंगे. ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शन. सबसे पहला ऑप्शन है एड प्रीपेड एक्सपेंसेस टू रेस्पेक्टिव एक्सपेंस एंड शो इट एज एन असेट. जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसे हमने जिस भी कैटेगरी का प्रीपेड एक्सपेंस है उस कैटेगरी के एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया और असेट दिखा दिया. दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि डिडक्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस फ्रॉम रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस एंड शो इट एज एन असेट. तो पिछले वाले में ऐड करने के लिए कह रहे थे, यहां पे उस पर्टिकुलर कैटेगरी के एक्सपेंसेस में से डिडक्ट करने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इसे असेट में दिखाइए. तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि एड प्रीपेड एक्सपेंसेस टू रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस एंड शो इट एज ए लाइबिलिटी, और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी. हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस को उस रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस से और उसे एज अ असेट शो करके दिखाएंगे, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एक हिसाब से असेट होता है. अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है. ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है गुड्स इन स्टॉक वर्थ ₹800 आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर. गुड्स हमारे कुछ गुड्स थे स्टॉक में जिसमें ₹800 के गुड्स फायर द्वारा डिस्ट्रॉय हो गए और इंश्योरेंस कंपनी ने ₹600 का क्लेम मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी. ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन कि गुड्स इन स्टॉक वर्थ ₹800 आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड द इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड द क्लेम फॉर ₹600, एडजस्टमेंट वुड इन्वॉल्व. ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है डेबिट ₹800 टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्रेडिट ₹600 टू इंश्योरेंस कंपनी एंड ₹200 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं डेबिट ₹600 इन इंश्योरेंस कंपनी एंड ₹200 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट ₹800 टू ट्रेडिंग अकाउंट. तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं डिडक्ट ₹800 फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रेडिंग अकाउंट, और चौथा कह रहे हैं क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर ₹600 एड ₹800 टू क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रेडिंग अकाउंट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो या दिक्कत हो रही है तो आप एक बार पॉज करके एक बार खुद से भी आप पढ़ सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास गोडाउन में कुछ गुड्स हैं जिसमें से ₹800 के गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गए और इंश्योरेंस क्लेम जब हमने किया तो कंपनी ने सिर्फ ₹600 का क्लेम एक्सेप्ट किया, तो इसका एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे. तो इन्होंने बोला कि हम डेबिट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में ₹800, क्रेडिट करेंगे ₹600 इंश्योरेंस कंपनी में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हम क्रेडिट करेंगे ₹200 से. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा रिलेशनशिप, एक या एक से ज्यादा रिलेशनशिप सही है. ठीक है, हमारे पास तीन फॉर्मूलेज दिए हुए हैं. पहला फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस. दूसरा ऑप्शन कहा जा रहा है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस. तीसरा कहा जा रहा है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स. ठीक है, और चौथा ऑप्शन कह रहे हैं कि बोथ ए एंड सी अबव आर ट्रू. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोथ ए एंड सी अबव आर ट्रू. आपको मालूम है कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और बाकी के एक्सपेंसेस हम माइनस कर देते हैं, तो उस हिसाब से ए भी सही है. ठीक है, नीचे बोला गया है बी वाला, बी गलत है क्योंकि इन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन
एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में, तो ये गलत हो गया। सी वाला भी सही है कि सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो सेल्स पता चल जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपियर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिजनेस। इनमें से कौन सी चीज बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपियर नहीं होती है, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है ड्रॉइंग्स, दूसरा ऑप्शन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तीसरा ऑप्शन है अक्रूड एक्सपेंसेस और चौथा ऑप्शन है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, ठीक है, नॉट अपियर बोला है ना, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम नहीं शो करते। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बैलेंस शीट गिव्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द, जो बैलेंस शीट है वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, किस चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती है। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला कह रहे हैं रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम पर्टिकुलर पीरियड, दूसरा ऑप्शन है फाइनेंशियल पोजिशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, तीसरा ऑप्शन है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, और चौथा कह रहे हैं फाइनेंशियल पोजिशन एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, जो बैलेंस शीट होती है ना वो हमें इन्फॉर्मेशन देती है एक पर्टिकुलर डेट पे बिजनेस की या फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, इनमें से कौन सा कंटिंजेंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आता है। आपको मालूम है ना कंटिंजेंट लायबिलिटी किसे कहते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो कभी भी अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसे हम कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं, मतलब विच मे और मे नॉट ऑकर, उसे हम कंटिंजेंट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सा कंटिंजेंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आता है, तीन ऑप्शन है और चौथे में कह रहे हैं ऑल ऑफ दीज। पहला ऑप्शन कह रहे हैं अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, दूसरा कह रहे हैं क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेटर्स, और तीसरा कह रहे हैं कि अरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों एक हिसाब से कंपनी के लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो अगला ऑप्शन क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि द एंट्री फॉर क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। देखिए, इसके पहले ऑप्शन में एक छोटी सी कमी रह गई है जिसे मैं अभी पूरा कर दे रहा हूं, ये यहां पे होगा क्रेडिट, अब सवाल पूछा गया है जो एंट्री होगी क्रिएटिंग फॉर प्रोविजन बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की जो एंट्री होगी वो क्या एंट्री होगी। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन कह रहे हैं डेबिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट एंड क्रेडिट क्रेडिटर्स अकाउंट, दूसरा कह रहे हैं डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, तीसरा कह रहे हैं डेबिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट एंड क्रेडिट बैड डेट्स अकाउंट, और चौथा कह रहे हैं कि डेबिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट एंड क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन केस द एक्चुअल बैड डेट्स एक्सीड्स द प्रोविजन बैड डेट्स देन देयर विल बी अ, मान लीजिए केस आ जाता है, कंडीशन आ जाती है जहां पे जो एक्चुअल बैड डेट्स है वो प्रोविजनल बैड डेट से ज्यादा हो जाते हैं, हम जितना मान करके चल रहे थे हमारा बैड डेट्स होगा उससे ज्यादा बैड डेट्स हो जाते हैं, तो यहां पे क्या होगा, इस कंडीशन में वो जो एडिशनल बैड डेट्स हुआ उसकी हम क्या एंट्री करेंगे। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, दूसरा कह रहे हैं डेबिट बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, तीसरा कह रहे हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैड डेट्स, और चौथा कह रहे हैं डेबिट बैलेंस ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, assets appearing in books having no real value are known as, ठीक है, जो assets book में आ रहे हैं appear हो रहे हैं उनकी अगर कोई real value नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब book value है real में कोई value ही नहीं है, क्या समझो। तो we have four options, पहला option है current assets, दूसरा option है fictitious assets, तीसरा option है intangible assets और चौथा option है all of the above। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट्स आर दोज असेट्स अपीयरिंग इन द बुक्स हैविंग नो रियल वैल्यू, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, एडवांस पेड फॉर टैक्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ओनली इफ। अगर हमने एडवांस में टैक्स पे किया है तो उसे बैलेंस शीट में एक कंडीशन में हम शो करेंगे, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला, इट इज अपियरिंग इन कैश बुक। दूसरा, कह रहे इट इज अपियरिंग इन जर्नल। तीसरा, इट इज अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस। और चौथा, कह रहे नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इट इज अपियरिंग इन द कैश बुक। एडवांस पेड फॉर टैक्स हम तब शो करेंगे बैलेंस शीट में जब कैश बुक में वो अपियर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिप्रिसिएशन अकाउंट अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस विल बी शोन। जो डिप्रिसिएशन अकाउंट है अगर वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो उसे हम कहां शो करेंगे। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, एट द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा ऑप्शन, इन द बैलेंस शीट बाय डिडक्टिंग फ्रॉम द फिक्स्ड असेट्स। तीसरा ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। और चौथा ऑप्शन, विल नॉट बी शोन इन फाइनल अकाउंट्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एट द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन अकाउंट अपीयर हो रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम उसे शो करेंगे।